हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी पाठशाला में। सीजीपीएससी पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2021, जिसमें हम चर्चा करने वाले अध्याय 3 राजकीय आय। आज का चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जो भी चीज पढ़ने वाले हैं उससे इंडिविजुअल सेपरेट क्वेश्चन बनता है और इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, तो ध्यान समझते हुए चलिएगा आज के इस वीडियो को। देखिए अध्याय 3 राजकीय आय, जिसमें सबसे पहले नंबर पर हम देखेंगे सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी अग्रिम अनुमान 2021। ठीक है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद या सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी बोलिए या जीएसडीपी बोलिए, दोनों एक ही होता है। अगर हम किसी देश के परिप्रेक्ष्य बात करें तो यह कहलाता है जीडीपी, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। अगर वहीं हम किसी राज्य यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य के परिप्रेक्ष्य बात करें तो यह हो जाता है जीएसडीपी, यानी कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद। ठीक, अब यह होता क्या है, इसके डेफिनेशन को समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले आपको परिभाषा बताऊंगा, फिर आपको एक एग्जांपल बताऊंगा जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। देखिए डेफिनेशन समझिएगा, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी किसी भी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहा जाता है। ठीक है, डेफिनेशन क्या है, किसी भी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर, किसी भी देश यानी कि हमारा भारत देश, उसकी भौगोलिक सीमा यानी कि उसकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो, किसी भी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तु, देखिए वर्ड समझिएगा, अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहा जाता है। ये तो था डेफिनेशन, अब इसको साधारण शब्दों में एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। देखिए इसमें वर्ड यूज हुआ है आपका अंतिम वस्तु, मतलब जैसे कि यह है आपका मार्क। ठीक है, इस मार्कर को कैसे बनाया गया है, इसमें रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल के रूप में यूज किया गया है इसका ये प्लास्टिक। ठीक है, प्लास्टिक को मोल्ड करके एक शेप, एक मार्कर का शेप दिया गया है। इसके अंदर का ब्रश यानी कि रिफिलर और इसके ऊपर का लीड, इन सब को बना करके, इसके असेंबल करके जो है इसको फाइनल फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाया गया है। ठीक, तो इसमें क्या बोला गया है, अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य। ठीक, अंतिम वस्तु मतलब देखिए इस मार्कर को बनने में जो कच्चा माल लगा उसके कीमतों को ना जोड़ करके इसके अंतिम उत्पाद की कीमतों को आपका जीडीपी में जोड़ा जाता है। जैसे कि इस मार्कर को बनाने के लिए प्लास्टिक, कच्चा माल के रूप में प्लास्टिक यूज किया गया, इसकी कुछ कीमत होगी। इसके अंदर का रिफिलर या जो ब्रश है उसकी कुछ कीमत होगी, इसके लीड की कुछ कीमत होगी, तो इनके कीमतों को जीडीपी में कंसिडर नहीं किया जाता। जबकि जो आपके इस प्लास्टिक के कवर, उसके अंदर की ब्रश या रिफिलर, उसके लीड और इसको असेंबल करके जब फाइनल प्रोडक्ट बनता है तो इसकी जो अंतिम लागत मूल्य होती है ये कंसिडर किया जाता है आपकी जीडीपी में। ठीक है, अंतिम वस्तु फाइनल प्रोडक्ट किसी भी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका डेफिनेशन। अब देखिए, अब इसमें हम दो और टर्मिनोलॉजी को समझेंगे, कौन कौन सा है। देखिए एक है आपका स्थिर कीमत और दूसरा है प्रचलित कीमत। आप इकोनॉमिक सर्वे या बजट कभी पढ़ेंगे तो आपको ये जो वर्ड है बार बार आपको देखने के लिए या पढ़ने के लिए मिलेंगे। अब ये होता क्या है, इसको थोड़ा ध्यान समझते हुए चलिएगा। स्थिर कीमत पर जीडीपी और प्रचलित कीमत पर जीडीपी। ठीक, डेफिनेशन बताऊंगा, बता रहा हूं, फिर उसके बाद आपको एग्जांपल बताऊंगा, तो ये भी चीजें क्लियर हो जाएगी और ये आगे इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने के लिए आपको काम आएगी। ठीक, देखिए जीडीपी स्थिर कीमत पर आपका जीडीपी, ये होता क्या है, किसी भी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य की गणना आधार वर्ष 2011-12 के कीमतों के आधार पर किया जाता है तो यह कहलाता है स्थिर कीमत पर आपका जीडीपी। क्या वर्ड यूज हो रहा है, आधार वर्ष, जिसमें कौन से वित्तीय वर्ष की बात की जा रही है, वित्तीय वर्ष 2011-12। ठीक है, देखिए किसी भी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य की गणना आधार वर्ष 2011-12 के कीमतों पर किया जाए तो यह कहलाता है स्थिर कीमत पर जीडीपी। अब नेक्स्ट है प्रचलित कीमत या प्रचलित भाव पर जीडीपी। ये क्या है, किसी भी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य की गणना वर्तमान बाजार में प्रचलित कीमतों पर किया जाए तो ये कहलाता है आपके प्रचलित कीमत पर जीडीपी। ठीक, अब देखिए समझिए इसमें क्या बोला जा रहा है, किसी भी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य की गणना वर्तमान बाजार में प्रचलित, यानी कि वर्तमान में जो आपका वित्तीय वर्ष चल रहा है वर्तमान बाजार में प्रचलित कीमतों के आधार पर किया जाता है तब यह कहलाता है प्रचलित भाव पर आपका जीएसडीपी। ठीक, देखिए अब फिर से आपको एग्जाम्पल लेता हूं,
तो आपको ये सारे के सारे डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। देखिए, जैसे कि मान लीजिए मेरे जेब में है 30 रुपये, तो मेरे जेब में जो 30 रुपये है तो ये है मेरा GDP, मेरे GDP का आकार है 30 रुपये। देखिए, हम सबसे पहले बात करेंगे स्थिर कीमत पर। स्थिर कीमत जिसमें आधार वर्ष क्या लिया गया था, आधार वर्ष 2011-12। ठीक, तो देखिए आधार वर्ष 2011-12 यानी कि वर्ष 2011-12 में इस मार्कर की कीमत थी आपकी 10 रुपये, मेरा जेब में कितना है 30 रुपये। ठीक है, यानी मेरे GDP का आकार है 30 रुपये। तो मैं आधार वर्ष 2011-12 या वर्ष 2011-12 में मैं 30 रुपये से कितने मार्कर ले सकता था, 10 रुपये की कीमत के 3 मार्कर मैं ले सकता था वित्तीय वर्ष 2011-12 में। ठीक, लेकिन वर्तमान प्रचलित बाजार जो वर्तमान वित्तीय वर्ष है इसमें इस मार्कर की कीमत हो गई है 15 रुपये और मेरे जेब में जो GDP का आकार है वो अभी भी है आपका 30 रुपये। ठीक, तो मेरे पास मौजूद 30 रुपये में से मैं वर्तमान जो आपका प्रचलित जो आपका दर है, वर्तमान प्रचलित दर कितना है 15 रुपये, तो इस 15 रुपये कीमत की कितने मार्कर ले सकता हूँ, मात्र 2 मार्कर। इसकी कीमत 11-12 में कितनी थी 10 रुपये, वर्तमान बाजार में कितनी है इसकी कीमत 15 रुपये। ठीक है, तो इसमें क्या चेंज हो रहा है, इसकी मूल्य में चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि समय के साथ जो है आपकी महंगाई में वृद्धि हो रही है। तो ध्यान समझते हुए चलिएगा, जो स्थिर कीमत है स्थिर कीमत पर महंगाई का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि प्रचलित कीमत पर महंगाई जो है उसमें जुड़ी हुई होती है। आधार वर्ष 2011-12 में इस मार्कर की कीमत थी 10 रुपये, वर्तमान बाजार में इस मार्कर की कीमत है 15 रुपये, कितने का डिफरेंस आ रहा है 5 रुपये। ये 5 रुपये क्या है, महंगाई है। तो स्थिर कीमत पर महंगाई जुड़ी हुई नहीं रहती, जबकि प्रचलित कीमत पर जो है महंगाई जुड़ी हुई होती है। स्थिर कीमत पर महंगाई का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि प्रचलित कीमत पर जो है महंगाई प्रभावित होती है, यानी कि महंगाई का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये है स्थिर कीमत और प्रचलित कीमत। ठीक, देखिए अब हम आंकड़े को पढ़ेंगे, आंकड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक, देखिए यहां लिखा हुआ GSDP यानी कि GDP, स्थिर कीमत, प्रचलित कीमत। तो छत्तीसगढ़ के GSDP का आकार है वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अनुमानित है 2,45,45,1 करोड़ रुपए। ठीक है, 2,45,45,1 करोड़ रुपए कैसे याद करना है वो बता रहा हूं। देखिए 2,45,451 करोड़ रुपए ऐसे भी याद कर सकते हैं, ये सबसे आसान तरीके से 2,45,45,1 करोड़ रुपए, ये छत्तीसगढ़ के GSDP का आकार है स्थिर कीमत पर। ठीक, जबकि प्रचलित कीमत पर है 3,50,269 करोड़ रुपए। ठीक है, 69 या 69, ठीक है हिंदी में थोड़ा जो आपके नंबर है वो बोलने में गड़बड़ हो सकता है, 3,50,269 करोड़ रुपए ये प्रचलित कीमत पर छत्तीसगढ़ के GDP का आकार है। ठीक, अब नेक्स्ट है आपका वृद्धि दर। वृद्धि दर, इसे छत्तीसगढ़ का विकास दर बोले, छत्तीसगढ़ की वृद्धि दर बोले, छत्तीसगढ़ की आर्थिक वृद्धि दर बोले, सभी के सभी सेम है। या छत्तीसगढ़ का GDP ग्रोथ रेट बोले, सभी के सभी सेम है। ठीक है, 4 अलग तरीके से प्रश्न पूछ सकता है, छत्तीसगढ़ का विकास दर, छत्तीसगढ़ की वृद्धि दर, छत्तीसगढ़ का GDP ग्रोथ रेट या छत्तीसगढ़ की आर्थिक वृद्धि दर। ठीक, तो ये है आपका वृद्धि दर। स्थिर कीमत पर छत्तीसगढ़ का जो GDP के आकार में आपके कमी दर्ज की गई है, ध्यान दीजिएगा यहां पर निगेटिव का साइन है, माइनस का साइन है यहां पे। ठीक, तो छत्तीसगढ़ के GDP में कमी दर्ज की गई है, छत्तीसगढ़ का जो आपका GDP ग्रोथ रेट है वो है -1.77%, यानी कि -1.77%। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। जबकि प्रचलित कीमत पर छत्तीसगढ़ के जो GDP के आकार में वृद्धि दर्ज की गई है जो कि है आपका +1.54%। ठीक है, 1.54% की वृद्धि दर्ज की गई है। देखिए प्रचलित कीमत के आंकड़े याद करने में दिक्कत होता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा स्थिर कीमत के आंकड़ों को आपको याद रखना है। इससे अक्सर प्रश्न पूछता है, क्योंकि जो सरकार जो है अक्सर स्थिर कीमत के ही आंकड़ों को कंसिडर करती है, और मैक्सिमम टाइम जो है सर्वाधिक बार जो है आपके स्थिर कीमत से आपके जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के GSDP का आकार स्थिर कीमत पर कितना है, 2,45,45,1 करोड़ रुपए, जिसमें इस साल जो है आपके कमी दर्ज की गई है GDP के आकार में कितनी, -1.77%, जबकि प्रचलित कीमत पर कितना है 3,50,269 या 3,50,270 करोड़, ऐसे करके याद रख लीजिए, जिसमें आपकी वृद्धि दर्ज की गई है 1.54%। ठीक,
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय या पर कैपिटा इनकम, जो कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए, ये भी आपके स्थिर कीमत और प्रचलित कीमत पर है। ठीक है, स्थिर कीमत और आपका प्रचलित कीमत। अब ये होता क्या है इसे समझिएगा। प्रति व्यक्ति आय यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य में एक व्यक्ति की औसतन आय कितनी है। ठीक, स्थिर कीमत और प्रचलित कीमत क्या है इसे हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो स्थिर कीमत पर छत्तीसगढ़ की जो प्रति व्यक्ति आय है वो है आपका 82,419 रुपये। स्थिर कीमत पर छत्तीसगढ़ का प्रति व्यक्ति आय कितना है 82,419 रुपये, जबकि प्रचलित भाव पर छत्तीसगढ़ का प्रति व्यक्ति आय है 104,943 रुपये। ठीक है, 104,943 रुपये। दोनों आंकड़े इंपॉर्टेंट है और दोनों प्रश्न पूछे गए हैं। और पीएससी घुमाता कैसे है इसको थोड़ा समझिएगा। एक साल पीएससी का प्रश्न आया था कि अभी जैसे इस वित्तीय वर्ष को लेते हुए अगर मैं प्रश्न बनाऊं तो प्रश्न कैसे पूछा गया था उस समय, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए छत्तीसगढ़ का प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमत पर कितना अनुमानित है। ठीक है, उस समय 5 ऑप्शन दिया गया था, 4 ऑप्शन थे। तो 4 ऑप्शन में देखिए पूछा क्या था स्थिर कीमत पर, और उस 4 ऑप्शन में जो है आपके प्रचलित भाव पर प्रति व्यक्ति आय दे दिया था, और 5वां ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। प्रश्न पूछा था कि स्थिर कीमत पर छत्तीसगढ़ का प्रति व्यक्ति आय कितना है, जबकि उसमें 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन प्रचलित कीमत का दिया था और 5वां था इनमें से कोई नहीं, और आंसर लिया गया था इनमें से कोई नहीं। और मैक्सिमम स्टूडेंट जो है स्थिर कीमत पर ये प्रचलित कीमत वाले आंकड़े को टिक करके आए थे और सभी का आंसर हुआ था गलत। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा प्रश्न में पूछ क्या रहा है, स्थिर कीमत पूछ रहा है कि प्रचलित कीमत पूछ रहा है। ठीक, पीएससी अक्सर फंसाता है इन चीजों में। और मैक्सिमम टाइम क्या होता है, जो आपका बजट पेश होता है, तो बजट पेश होता है तो जितने भी न्यूज़पेपर में जो आंकड़े आते हैं प्रति व्यक्ति आय के, वो प्रचलित कीमत के आते हैं। तो जो स्टूडेंट जो है इस प्रचलित कीमत के आंकड़ों को याद करके रखते हैं और जहां ऑप्शन में देखते हैं और तो उसको टिक मार करके आ जाते हैं, तो वो गलती नहीं करना है। ठीक, स्थिर कीमत पर अलग है, प्रचलित कीमत पर अलग है। स्थिर कीमत पर 82,419 रुपये, प्रचलित कीमत पर 104,943 रुपये छत्तीसगढ़ी प्रति व्यक्ति आय है। दूसरा आंकड़ा, ये जो आपके प्रचलित कीमत पर जो प्रति व्यक्ति आय है इसमें इस साल कमी दर्ज की गई है -0.14%, ऋण 0.14% की कमी दर्ज की गई है इस वित्तीय वर्ष में। ठीक है, ये भी आपका एक सेपरेट क्वेश्चन बनेगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, ये कुछ थ्योरी वाले प्रश्न हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में और अधिकतर गलत होते हैं, और दोनों प्रश्न अलग अलग है। देखिए क्या पूछा गया है, किसी राष्ट्र की आर्थिक स्थिति का सबसे उपयुक्त मापक होता है, और किसी राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापक क्या होता है। ठीक है, देखिए किसी भी राष्ट्र की आर्थिक स्थिति पूछ रहा है, तो किसी राष्ट्र की आर्थिक स्थिति का सबसे उपयुक्त मापक होता है आपका जीडीपी या जीएसडीपी, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। जबकि जो आपके किसी राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि, अगर समृद्धि पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा वृद्धि नहीं समवृद्धि, किसी राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापक कौन सा पूछा जाए, तो वो है पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय। दोनों अलग अलग प्रश्न है और दोनों एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, एक साल प्रश्न बना था कि देश के परिपेक्ष में यानी भारत के परिपेक्ष में आया था कि किसी राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापक होता है, उसमें सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद और आपका प्रति व्यक्ति आय, ऐसे 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो उसमें से आपका आंसर था आपका प्रति व्यक्ति आय, लेकिन इसमें भी गलती हुआ, बहुत लोगों ने जीडीपी लगा के आया था। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, स्थिति पूछे तो जीडीपी, समृद्धि पूछे तो पीसीआई यानी कि पर कैपिटा इनकम। ठीक, नेक्स्ट देखिए, जीएसडीपी यानी कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्षेत्रवार प्रतिशत वृद्धि अग्रिम अनुमान 2020-21। क्षेत्रवार प्रतिशत वृद्धि का मतलब जैसे कि आपका कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, ठीक है, ये प्रमुख क्षेत्र है, तो इन सभी प्रमुख क्षेत्र जो है आपके कई प्रक्षेत्रों में बटे हुए हैं, यानी कि सब डिवाइड हुआ है। जैसे कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आपका फसल हो गया, पशुपालन हो गया, वनोद्योग हो गया, मछली पालन हो गया, ये सभी के सभी शामिल होते हैं। उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत आपका निर्माण, विनिर्माण, ये सभी आपके इसके प्रक्षेत्र है। तो ऐसे पूछा जा रहा है आपके प्रक्षेत्र यानी कि क्षेत्रवार प्रतिशत वृद्धि कितनी है। ठीक, देखिए ध्यान समझिएगा, ये है आपका स्थिर भाव, इधर है आपका प्रचलित भाव। क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र और इन क्षेत्रों में जो इनके प्रक्षेत्र है, कौन से प्रक्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई। ठीक, देखिए
कृषि क्षेत्र, अगर हम कृषि क्षेत्र की बात करें तो वित्तीय वर्ष 2020-21 में कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई 4.61% यानी कि 4.61% की वृद्धि दर्ज की गई है। जिसे ये जो आपके आंकड़े हैं, ये कृषि उद्योग सेवा क्षेत्र के आंकड़े, इसे हम चैप्टर वन में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। कृषि क्षेत्र में 4.61% की वृद्धि दर्ज की गई है, उद्योग क्षेत्र में माइनस ऋण, ठीक है, -5.28% की कमी दर्ज की गई है, जबकि सेवा क्षेत्र में 0.75% मतलब कि 0.75% की वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक। अब कृषि क्षेत्र के अंतर्गत जो शामिल प्रक्षेत्र है, तो किस प्रक्षेत्र में आपके सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है पूछा जाए, तो वो है पशुपालन, जिसमें आपके 11.73% की वृद्धि दर्ज की गई है। दूसरा है आपका उद्योग क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र के किस प्रक्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई पूछा जाए, तो वो है आपका निर्माण, कितना 0.90%, ठीक है। सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत अन्य सेवाएं, जिसमें लगभग 13% के आसपास की वृद्धि दर्ज की गई है, 13.17%, ठीक। तो ये भी इंडिविजुअल प्रश्न बन सकता है कि कृषि क्षेत्र के अंतर्गत किस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई, तो ध्यान दीजिएगा उसमें है पशुपालन। वैसे ही आपके प्रचलित कीमत पे कृषि उद्योग सेवा, कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई है आपके 10.40%, ठीक है, उद्योग क्षेत्र में -3.34%, जबकि सेवा क्षेत्र में 3.34%। आंकड़े सेम है, उद्योग में माइनस में है, सेवा में प्लस में है, ठीक है। प्रचलित कीमत पर जो है कृषि क्षेत्र में आपका 10.40% की आपकी वृद्धि दर्ज की गई है, उद्योग क्षेत्र में -3.34% की कमी दर्ज की गई है, जबकि सेवा क्षेत्र में 3.34% की वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक। अगर प्रचलित कीमत पर अगर हम प्रक्षेत्रों की बात करें, तो सर्वाधिक आपके पशुपालन में वृद्धि दर्ज की गई है 17.18%, उद्योग क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र के विनिर्माण प्रक्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई 2.04%, और आपके सेवा क्षेत्र के अन्य सेवाओं में लगभग 15% के आसपास की वृद्धि दर्ज की गई है, 15.41%। देखिए, ध्यान दीजिएगा, स्थिर कीमत और प्रचलित कीमत, कृषि क्षेत्र में दोनों तरफ आपके पशुपालन में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज हुई है, स्थिर कीमत पूछे या प्रचलित कीमत। अगर उद्योग पूछ रहा है, तो स्थिर कीमतों में उद्योग क्षेत्र के निर्माण क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि प्रचलित कीमतों पर आपके उद्योग क्षेत्र के विनिर्माण, यहां पे वी जुड़ा हुआ है, विनिर्माण क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि सेवा क्षेत्र में दोनों तरफ अन्य सेवाएं है, ठीक। तो इसको याद रखना है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए, कृषि क्षेत्र पूछे, उद्योग क्षेत्र पूछे, सेवा क्षेत्र पूछे, तीनों क्षेत्र के अगर प्रक्षेत्रों को मिला दे, यानी कि सभी का जो आपका जो सब डिवीजन है, यानी कि फसल हो गया आपका फसल, उसके अलावा वन उद्योग हो गया, मछली पालन हो गया, आपका फसलें हो गया, पशुपालन हो गया, ठीक, उसके अलावा निर्माण हो गया, विनिर्माण हो गया, ठीक, अन्य सेवाएं हो गए, ये सभी प्रक्षेत्रों में सर्वाधिक वृद्धि किस प्रक्षेत्र में हुई पूछा जाए, तो वो है अन्य सेवाएं, ठीक है। ये आंकड़े अगर आप देख रहे हो तो अन्य सेवाओं का मैक्सिमम है। वैसे ही प्रचलित कीमत पर अन्य सेवाएं, और सबसे कमी या ऋणात्मक वृद्धि किस प्रक्षेत्र में दर्ज की गई, तो ध्यान दीजिएगा वो है आपका खनन और उत्खनन। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, किस प्रक्षेत्र में आपकी ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई, या सर्वाधिक कमी किस प्रक्षेत्र में आपकी दर्ज की गई। स्थिर कीमत पूछे या प्रचलित कीमत पूछे, दोनों में आएगा खनन एवं उत्खनन, ठीक है, खनन एवं उत्खनन। स्थिर पूछे या आपका प्रचलित पूछे, दोनों में खनन उत्खनन में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। सर्वाधिक कमी किस प्रक्षेत्र में दर्ज की गई है, खनन उत्खनन। अब ये खनन उत्खनन किस क्षेत्र का है, आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक। देखिए, सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP में क्षेत्रवार प्रतिशत भागीदारी 2020-21, ये तो था प्रतिशत वृद्धि, अब GDP में इनकी भागीदारी कितनी कितनी है, ठीक, समझते चलिएगा। सबसे पहले नंबर पर है आपका स्थिर भाव पर, स्थिर कीमत पर, स्थिर कीमत पर GDP का आकार कितना है, 2,45,45,1 करोड़ रुपए, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ के आपके GDP का आकार है स्थिर कीमत पर, 2,45,45,1 करोड़ रुपए। तो इस 2,45,45,1 करोड़ रुपए में से कृषि क्षेत्र का कितना भागीदारी है, उद्योग क्षेत्र का कितना भागीदारी है, सेवा क्षेत्र का कितना भागीदारी है, ठीक है। ये परसेंटेज भी याद रखना है, इससे भी प्रश्न पूछता है। देखिए, तो स्थिर कीमत पर जो GDP का आकार है 2,45,45,1 करोड़ रुपए, इस 2,45,45,1 करोड़ रुपए में से 17.64% जो हिस्सा है वो कृषि क्षेत्र का है, जबकि 46.43% जो हिस्सा है ये उद्योग क्षेत्र का है, जबकि
37.94% जो हिस्सा है वो सेवा क्षेत्र का है, ठीक है। जो छत्तीसगढ़ का जो कुल जीडीपी है, छत्तीसगढ़ के कुल जीडीपी में से लगभग 17% भागीदारी कृषि क्षेत्र की है, लगभग 46% भागीदारी उद्योग क्षेत्र की है और 35% के आसपास भागीदारी किसकी है, सेवा क्षेत्र की है। अप्रोक्स में भी डाटा याद रखेंगे तो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। कृषि क्षेत्र की भागीदारी 17.64%, उद्योग क्षेत्र की 46.43%, जबकि सेवा क्षेत्र की 35.94% आपकी भागीदारी है जीडीपी में, ठीक है, हिस्सेदारी, भागीदारी, ठीक। देखिए अब एक दूसरा प्रश्न पूछेगा कि छत्तीसगढ़ के जीडीपी में सर्वाधिक भागीदारी किस क्षेत्र की है पूछा जाए, तो देखिए कृषि, उद्योग, सेवा, तो ध्यान दीजिएगा किस क्षेत्र की भागीदारी सर्वाधिक है, 46, ये 17 है, ये 46 है, ये 35 है, कौन सा बड़ा है, 46। तो इन तीनों क्षेत्रों में से सर्वाधिक भागीदारी किसकी है, आपके उद्योग क्षेत्र की, जबकि सबसे कम भागीदारी किसकी है, कृषि क्षेत्र की, ठीक है, ये भी एक सेपरेट क्वेश्चन बनता है। अब देखिए कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आपके आपके जो है फसलें हो गया, पशुपालन हो गया, मछली पालन हो गया, वन उद्योग हो गया, ये सभी के सभी आप कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इस कृषि क्षेत्र में जो इसके प्रक्षेत्र है, यानी कि जो इसके अंदर का जो शामिल क्षेत्र है, उनमें से सर्वाधिक भागीदारी किसकी है, तो ध्यान दीजिएगा इन कृषि क्षेत्र के अंतर्गत भी जो सर्वाधिक जो भागीदारी है वो है फसलों की, ठीक है, फसलों की कितनी है, 10.63%, इंपॉर्टेंट है। वैसे ही उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत जो शामिल प्रक्षेत्र है, जिससे निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, जल आपूर्ति, सभी के सभी आपके जो है उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो इस उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत जो शामिल प्रक्षेत्र है उन सभी प्रक्षेत्रों में से सर्वाधिक जो आपकी भागीदारी, सॉरी यहां वृद्धि लिखा गया है, इसे वृद्धि नहीं, सर्वाधिक भागीदारी कीजिएगा, ठीक है, सर्वाधिक भागीदारी, ठीक, सर्वाधिक भागीदारी, सर्वाधिक भागीदारी किसकी है पूछा जाए, तो ये भी है आपके यहाँ पर विनिर्माण की, ठीक है, यहाँ पर जो भागीदारी है वो है विनिर्माण की, कितना है, 17.73%। यहाँ पर जो उद्योग क्षेत्र में सर्वाधिक जो भागीदारी है वो है विनिर्माण क्षेत्र की, 17.30%, ठीक है, 17.30% की भागीदारी है। जबकि अगर हम बात करें सेवा क्षेत्र में, तो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत शामिल प्रक्षेत्रों में जो आपकी सर्वाधिक जो भागीदारी है वो है स्थावर संपदा सेवाओं में, स्थावर मतलब जो आपका स्थिर होता है, संपदा मतलब संपत्ति, तो स्थावर संपदा सेवाओं में जो है उसकी सर्वाधिक भागीदारी है आपके सेवा क्षेत्र के अंतर्गत, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक। अब देखिए अब नेक्स्ट है आपके प्रचलित कीमत पर, प्रचलित कीमत पर जो है, प्रचलित कीमत पर छत्तीसगढ़ के जो जीडीपी का आकार है वो है आपका 3,50,270 करोड़ रुपए, ठीक है, अप्रोक्स में देख रहे हैं 3,50,270 करोड़ रुपए। तो इन 3,50,270 करोड़ रुपए में से आपका जो कृषि क्षेत्र की भागीदारी है प्रचलित कीमत पर वो है आपका 22.69%, उद्योग क्षेत्र की भागीदारी है 39.62%, जबकि सेवा क्षेत्र की भागीदारी है 37.69%। छत्तीसगढ़ के जो जीडीपी का आकार है प्रचलित कीमत पर कितना है, 3,50,270 करोड़ रुपए। इस 3,50,270 करोड़ रुपए में से लगभग 22% की भागीदारी कृषि क्षेत्र की है, उद्योग क्षेत्र की भागीदारी 39% की है, जबकि सेवा क्षेत्र की भागीदारी लगभग 37% की है, ठीक है। अब देखिए कृषि क्षेत्र में भी जो शामिल प्रक्षेत्र है उसमें से जो सर्वाधिक जो भागीदारी है किस प्रक्षेत्र की है पूछा जाए, तो वो है फसलें, ठीक है। कृषि क्षेत्र के अंतर्गत शामिल प्रक्षेत्रों में से फसल की भागीदारी है 12.90%, ठीक। वैसे ही उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत शामिल प्रक्षेत्रों में से सर्वाधिक जो भागीदारी है वो सर्वाधिक भागीदारी है आपके निर्माण की, यहां ध्यान दीजिएगा यहां विनिर्माण है, यहां पर निर्माण है, निर्माण की भागीदारी है आपकी 13.83%, जबकि आपके सेवा क्षेत्र के अंतर्गत शामिल प्रक्षेत्रों में सर्वाधिक जो आपकी भागीदारी है वो है स्थावर संपदा सेवाओं की, जो कि है आपके 10.42%। वैसे ही सेपरेट क्वेश्चन पूछेगा कि प्रचलित कीमतों पर छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में आपकी वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए किस क्षेत्र की भागीदारी सर्वाधिक है, तो ध्यान दीजिए उद्योग क्षेत्र की भागीदारी सर्वाधिक है, सबसे कम किसकी है, कृषि क्षेत्र की। अब एक प्रश्न पूछता है कि खनन एवं उत्खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। देखिए खनन एवं उत्खनन, खनन एवं उत्खनन, यह प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है,
ठीक, खनन एवं उत्खनन। इस खनन एवं उत्खनन को समझने के लिए जो बता रहा हूँ उसको ध्यान दीजिएगा। कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, इसको हटा दीजिए, इसके लिए दूसरा कॉन्सेप्ट है। एक और चीज आता है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। जनरली प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत हम कृषि को काउंट करते हैं, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत उद्योग को काउंट करते हैं, और तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत सेवा को काउंट करते हैं। लेकिन डेफिनेशन के हिसाब से समझोगे तो ये बहुत अलग है। देखिए प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र का मतलब ऐसी ऐसे चीजें जो हमें प्रकृति से यानी कि नेचर से डायरेक्टली मिलती है, ठीक है, ऐसी चीजें जो हमें नेचर से, एकदम साधारण शब्दों में बता रहा हूं, देखिए ऐसी चीजें या ऐसी वस्तुएं जो हमें प्रकृति से डायरेक्ट मिलती है, उसका दोहन हम प्रकृति से डायरेक्ट कर सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से कर सकते हैं, वो कहलाता है आपका प्राथमिक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र ऐसी जो आपकी सेवाएं या ऐसे क्षेत्र जो कि प्राथमिक क्षेत्र के ऊपर निर्भर रहते हैं वो कहलाते हैं आपके द्वितीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र ऐसे क्षेत्र जो द्वितीयक क्षेत्र के ऊपर डिपेंड रहते हैं वो कहलाते हैं आपके तृतीयक क्षेत्र। देखिए प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तीनों अलग है। प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत उन चीजों को शामिल किया जाता है जो हमें प्रकृति से डायरेक्ट मिलते हैं, जिनसे हम जिसे हम प्रकृति से डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। द्वितीयक क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के ऊपर निर्भर करेंगे, तृतीयक क्षेत्र जो द्वितीयक क्षेत्र के ऊपर निर्भर करेंगे, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अब इसको साधारण एग्जाम्पल से बता रहा हूं, उसको ध्यान दीजिएगा। जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत मान लीजिए एक आपका धान है, ठीक है, धान हम उगाए, या धान छोड़िए कपास, ठीक है, कपास यानी कि जो आपका रुई, कपास, कपास जो है कपास की खेती किए, तो कपास की खेती किए और कपास जो है हमें प्रकृति से डायरेक्ट मिल रहा है, ठीक है, कपास जो है, जो आपका रुई, जो कॉटन है, वो हमें प्रकृति से डायरेक्ट मिल रहा है, तो ये जो कपास जो है ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। अब इस कपास को हम जो है इंडस्ट्री में ले जा करके इससे हम आपका धागा बना रहे हैं और धागा से इससे कपड़ा बना रहे हैं, तो इसको जो हम प्रोसेस कर रहे हैं, तो ये जो आपका जहां प्रोसेसिंग हो रहा है, कहां हो रहा है, इंडस्ट्री में, तो ये कहलाएगा आपका द्वितीयक क्षेत्र। अब इंडस्ट्री में ये ऑटोमेटिकली तो होगा नहीं, इंडस्ट्री में कुछ कोई ना कोई वर्कर काम करेगा, तो जो वर्कर काम कर रहा है वो क्या कर रहा है, अपनी सेवा दे रहा है उस इंडस्ट्री में, यानी कि अपना सर्विस दे रहा है, तो जो वर्कर जो काम कर रहा है वो कहलाएगा आपका तृतीयक क्षेत्र, वो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत काम कर रहा है, ठीक है। तो ये होता है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र, ठीक। तो आप ध्यान समझिएगा, ये जो खनन उत्खनन है यानी कि जो खनिज है, खनिज हमें प्रकृति से डायरेक्ट मिलता है, ठीक है, जो आपका खनिज है ये हमें प्रकृति से डायरेक्ट मिलता है, प्रकृति से हम डायरेक्ट इसका खनन कर रहे हैं, खोद करके निकाल रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा खनन उत्खनन जो है ये आपका प्राथमिक क्षेत्र, ये कृषि उद्योग सेवा के अंतर्गत नहीं, ये आता है आपके प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, प्राथमिक, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर हम इसको इकोनॉमिक्स में देखें तो इकोनॉमिक्स में जो इसके आंकड़े हैं, इसके आंकड़ों को द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत काउंट किया जाता है। ये शामिल किस में है, प्राथमिक क्षेत्र में, लेकिन इसे काउंट किया जाता है द्वितीयक क्षेत्र में, वो दूसरा विषय है, ठीक है। आप इकोनॉमिक सर्वे का अगर टेबल उठा करके देखेंगे तो जो आपके अध्याय 3 का ही अगर आप टेबल उठा के देखेंगे तो उसमें खनन उत्खनन को जो है आपके द्वितीयक क्षेत्र या उद्योग क्षेत्र में से काउंट किया जाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा जो आपका खनन उत्खनन है ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि भी शामिल है, प्राथमिक क्षेत्र में खनन और उत्खनन भी शामिल है, ठीक, इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो आज के लिए इतना ही, किसी प्रकार डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।